ओके थैंक यू। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन। हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चा लोग। हाय हेलो, हेलो हेलो, एकदम बढ़िया। आई एम गुड, आई एम गुड। शायद आप CACT दे सकते हैं, है ना? इट विल सेव टाइम। क्यों एक साल रुकना फिर जाना? गुड गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो भाई साहब, शुरू करते हैं हम लोग। लेट अस स्टार्ट हम लोग शुरू कर लेते हैं भाई। एक छोटा सा टॉपिक बचा है हम लोग का, है ना? छोटा सा टॉपिक बचा है और टॉपिक का नाम है idioms एंड phrases, है ना? तो पहली बात भाई, idioms क्या होते हैं, phrases क्या होते हैं, है ना? छोटे छोटे बहुत आसान टॉपिक्स है, बट थोड़ा समय लगेगा। क्यों मैं आपको पहले बता दूं? क्योंकि हम लोग थोड़े से एग्जांपल्स भी देखने वाले, ताकि आपको क्लियर ज़्यादा अच्छे से हो जाए। सर, idioms क्या है, phrases क्या है, मुहावरे या फिर हम phrases या तो फिर जो हम कहते हैं कहावतें, है ना, वो भी हम लोग देखेंगे। अब गाइज, एक चीज़ आप समझो, idioms जो है ना, वो हम लोग हमारे डेली लाइफ में यूज़ ज़रूर करते हैं। वॉट आर idioms? कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि हम लोग कहते हैं, बट वो एक्चुअल वर्ड्स का मतलब अगर आप वैसे निकालने जाओ तो बहुत अलग निकलेगा, बट अगर आप उसे सेंटेंस में डालते हो तो एज पर द लैंग्वेज, एज पर द कल्चर, उनका मतलब बहुत अलग निकलता है। ठीक है, तो ये है भाई idioms। अब एग्जाम्पल आपको अगर मैं बताऊँ, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग, तो भाई इसका मतलब क्या है कि सही में कुत्तों और बिल्लियों की बारिश हो रही है क्या? नहीं, बट इट इज़ रेनिंग हैवीली। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इट इज़ रेनिंग हैवीली, तो हम लोग क्या कहते हैं, इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स या डॉग्स एंड कैट्स। ठीक है, बहुत जोर से बारिश होना, ठीक है? तो भाई यहाँ पे इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या है, बहुत जोर से बारिश होना। लिटरल मीनिंग अगर आप वर्ड्स का देखो तो वो अलग निकलता है, बट व्हेन यू पुट इट इनटू सम सेंटेंस तो उसका मतलब अलग आता है। ठीक है, तो सर ये कैसे पता चलेगा? तो बेटा इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत ही करना पड़ेगा, कि आपको इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, जस्ट लाइक फ्रेजेस जो रहते हैं ना, उसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि ये क्या होते हैं। अगर आप सिर्फ, वापस रिपीट करता हूँ, सिर्फ idioms को अगर आप देखोगे तो idioms का मतलब कुछ और ही निकलता है। ठीक है, रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है, तो क्या सही में कुत्ते बिल्लियों की बारिश हो रही है क्या? नहीं, बट इसका मतलब क्या है, इट्स रेनिंग हैवीली, है ना, इट्स रेनिंग हैवीली। कई बार ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं, एक सिंगल वर्ड भी idiom होता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूँ तो भाई मैं, आई एम अ नाइट आउल, इसका मतलब क्या है कि भाई मैं क्या रात का उल्लू हूँ? नहीं, इसका मतलब यह है कि मैं यूजुअली रात में ज़्यादा जागता हूँ, लेट सुबह तक, मतलब सुबह, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आई एम अ नाइट पर्सन जो हम कहते हैं ना, तो आई एम अ नाइट पर्सन को हम क्या कह सकते हैं कि आई एम अ नाइट आउल, है ना? तो ये क्या है बेटा, नाइट आउल इज एन idiom, ये समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड, रात को जागने वाले, एक नंबर। ठीक है, तो भाई यहाँ पे idioms और phrases हम लोग देखते हैं, आपको मैंने बताया। अब फ्रेज क्या है, मैंने, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं फ्रेज क्या होता है। फ्रेज क्या होता है भाई साहब, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि यार फ्रेज का अपना खुद का कोई मतलब नहीं निकलेगा एज सच, बट जब वो सेंटेंस के साथ है, कुछ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ में अगर जुड़ जाता है तो उसका और बेहतर मीनिंग निकल के आता है। ये हमने ऑलरेडी इसके पहले देखा, कुछ टाइम पहले ही, एक दो क्लास पहले ही देखा था ना फ्रेजेस क्या होते हैं, बस वही चीज यहां पर रिपीट हुई है। फ्रेज क्या है बेटा, ये एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है जिसका खुद का कोई मतलब नहीं रहता है, जिसका खुद का कोई मतलब नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं रहेगा एट ऑल, बट वो बाकी सेंटेंस के साथ में जब जुड़ता है तो उसका बेहतर मतलब निकल के आता है। ठीक है, तो एक आइडिया आ गया, चलो ग्रेट ग्रेट। अब भाई देखो कुछ idioms के एग्जांपल्स, अब यहां से आती है बढ़िया वाली बात, है ना? कुछ idioms के एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो, बीट बैक, ये एक एग्जांपल हो गया। बीट बैक का मतलब क्या है, टू
कंपेल्ड टू रिट्रीट, मतलब वापस भेजना, है ना। बीट बैक का मतलब क्या हुआ, वापस भेजना। एग्जाम्पल्स पूरे नहीं देखेंगे, थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे जस्ट टू गेट एन आइडिया, ठीक है। बीट बैक का मतलब क्या है बेटा, कंपेल्ड टू रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब क्या है, वापस आना। एग्जाम्पल देखो क्या है, द फायरमैन वर बीटन बैक बाय द फ्लेम्स एंड द बिल्डिंग वॉज रिड्यूस्ड टू एशेस, ठीक है। जो फायरमैन थे देवर बीटन बैक, बीटन बैक मतलब क्या, आग ने उनको पीटा क्या, नहीं, ठीक है, दचड़ दचड़ के मारा नहीं, इसका मतलब क्या है कि भाई देवर टेकन अ बैक, है ना, वो लोग थोड़ा पीछे हो गए बिकॉज ऑफ द फ्लेम्स, है ना, पीछे आ जाना, इसे हम क्या कहेंगे बेटा, बीट बैक या बीटन बैक, ठीक है। चलो अब इसके बाद में अगर आप देखो बॉइल डाउन टू, बॉइल डाउन टू का मतलब क्या है, टू अमाउंट टू, है ना, निष्कर्ष, है ना, आखिर में क्या है या बाद में क्या हुआ, अमाउंट टू, ये क्या हुआ, देखो द एंटायर आर्ग्यूमेंट बॉइल डाउन टू द फैक्ट दैट ही वुड नॉट जॉइन द मूवमेंट अनलेस ही सॉ सम मॉनेटरी गेन इन इट, ठीक है। क्या बोला है, बॉइल डाउन टू का मतलब निष्कर्ष क्या निकल रहा है या इट विल अमाउंट टू, आखिर में क्या होगा। तो मतलब ये है भाई साहब कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, वॉट एवर यूर डूइंग, उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, वॉट विल इट बॉइल डाउन टू, अमाउंट टू, ठीक है। इज दिस क्लियर, चलो फिर इसके बाद में अगर आप देखें तो कास्ट असाइड, कास्ट असाइड का मतलब क्या होता है बेटा, टू रिजेक्ट, कास्ट असाइड का मतलब क्या होता है, टू रिजेक्ट, ठीक है। तो देखो पीपल नॉर्मली कास्ट असाइड द ट्रूथ एंड ऑनेस्टी फॉर इमीडिएट गेन्स, कई बार क्या करते हैं हम, एक टेम्पररी खुशी के लिए हम सच्चाई को इग्नोर कर देते हैं, है ना। कास्ट असाइड का मतलब क्या है, टू रिजेक्ट, वेरी गुड। अच्छा कुछ ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग कुछ दूसरे टाइप के idioms देखते हैं। देखो idiomatic expressions in which principal word जो है वो क्या है बेटा, वो verb है। प्रिंसिपल वर्ड क्या है बेटा, वर्ब। अब इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो तो देखो कास्ट अ स्लर अपॉन, कास्ट अ स्लर अपॉन, इसका मतलब क्या है, ये जुड़ा है ना, हाँ, कास्ट अ स्लर अपॉन, इसका मतलब क्या है बेटा, बाय वर्ड और एक्ट कास्ट अ स्लाइट रिप्रोच, इसका मतलब क्या रहेगा बेटा कि भाई आपने जो भी कहा है ना, वॉट एवर यू आर डूइंग, कोई शब्द से या कोई भी चीज से आप किसी को थोड़ा सा पीछे ले लो, है ना। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, सॉरी, हाँ जी, हाँ जी, आपको SMS किया सर, एक मिनट, हाँ जी, सॉरी गाइस, एक कॉल देना था। हाँ तो भाई हमने क्या कहा, हमने कहा कास्ट अ स्लर अपॉन, इसका मतलब क्या है, वर्ड और एक्ट कास्ट अ स्लाइट रिप्रोच ऑन समवन। एग्जांपल देख लेते, मेनी मेन कास्ट अ स्लर ऑन देयर ओन गुड नेम बाय सम मीन एक्ट, अपने आप को थोड़ा पीछे कर देना, है ना। आपका नाम है भाई साहब अभी, बट आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे कि आपका नाम खराब हो गया। कास्ट अ स्लर का मतलब क्या, थोड़ा सा पीछे हो जाना, थोड़ा सा नाम खराब कर लेना, इस टाइप का, ठीक है। चलो फिर देखते हैं, टू फॉल टू समवंस लॉट, इसका मतलब क्या है, टू बिकम समवंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। अब देखो, इट हैज फॉलन टू द लॉट ऑफ द एल्डेस्ट ब्रदर टू पे ऑफ द डेट्स ऑफ द फादर। टू फॉल्स टू समवंस लॉट का मतलब क्या है कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाना। आप लोग हमारे सीएस कार्ड फैमिली का आप एक पार्ट हो भाई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो दिलीप, है ना, दिलीप हैज फॉलन टू सीएस कार्ड्स लॉट, तो भाई ये आपकी रिस्पॉन्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी किसके ऊपर है, सीएस कार्ड के ऊपर है कि आपको पास करवा के देना, ठीक है। चल
नेक्स्ट, फिर इसके बाद में देखते हैं अ गिव एंड टेक पॉलिसी. अ गिव एंड टेक पॉलिसी का मतलब क्या है? अ पॉलिसी ऑफ म्यूचुअल कंसेशन. इसका हिंदी वर्जन बताओ, अ गिव एंड टेक पॉलिसी का हिंदी वर्जन मुझे कमेंट में बताओ. ये आपको पता है, ये आपको पता है, गिव एंड टेक पॉलिसी का हिंदी वर्जन बताओ. वेरी गुड अश्विनी, सब बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आएंगे, सब बताऊंगा, पहले जो बता रहा हूं वो सुनो. वेरी गुड, सबसे पहले आंसर दिया भाई अश्विन, नहीं किसने दिया था आंसर, आंसर किसने दिया था, आई गेस हाँ अश्विनी ने दिया था, एक हाथ से दे एक हाथ से ले, लेन देन. ठीक है, वेरी गुड. तो भाई देखो, अ गिव एंड टेक पॉलिसी अलोन कैन रिस्टोर पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. लेन देन बोलो या एक हाथ से दे एक हाथ से ले बोलो, ये सब क्या करेगा बेटा हमारे यहाँ पे, इसको हम कहते हैं गिव एंड टेक पॉलिसी, है ना. चलो तो ये समझ में आ गया. और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, टू कीप अ थिंग टू वन सेल्फ, इसका मतलब क्या है? टू बी साइलेंट अबाउट वंस इंटेंशन. ठीक है, टू कीप अ थिंग टू वन सेल्फ या तो भी टू कीप वंस ओन काउंसिल, इसका मतलब क्या है भाई? अपनी चीज अपने तक रखना, अपना जो सीक्रेट है, अपनी जो बातें हैं भाई साहब, वो अपने तक रखना. ठीक है, चलो. अ ग्रेट लीडर मस्ट अल्टीमेटली कीप हिज ओन काउंसिल, भाई अपना चीज अपने पास रखो. ठीक है, चलो. अब किसी ने पूछा कि सर सवाल कैसे आएंगे, तो देखो आपको इसमें एक फ्रेज दे देगा या तो फिर एक ईडीएम दे देगा. ठीक है, अब ये जो ईडीएम है ना, वो ईडीएम में आपको कुछ सेंटेंसेस वो दे सकता है, चार सेंटेंस दे देगा, बोलेगा कौन सा सही बैठता है. ठीक है, पहला, या तो फिर आपको ये बोल देगा कि भाई ये ईडीएम है या ये आपका फ्रेज है या ये ईडीएम है, इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, अब किसी ने ये भी पूछ लिया सवाल में कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईडीएम एंड फ्रेज, तो बेटा ईडीएम जो है वो कुछ हद तक या कई हद तक फ्रेज ही होता है, बट फ्रेज का अपना खुद का मीनिंग जो है वो बहुत मिलता जुलता होता है उसके वर्ड्स से. ये आप समझने की कोशिश कीजिए, जो फ्रेज रहता है ना उसका कंप्लीट मीनिंग तो नहीं रहता, ये तो हमें पता है, बट फ्रेज का जो वर्ड्स रहते हैं उसी से मिलता जुलता मीनिंग निकलता है उसका. कंप्लीट मीनिंग तो नहीं निकलेगा बट उसी से मिलता जुलता मीनिंग निकलेगा. बट ईडियम्स का मीनिंग बहुत अलग रहता है जो वर्ड्स रहते हैं उससे. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब बहुत अलग है बट सेंटेंस में उसका मतलब बहुत अलग आता है. ठीक है, तो बेसिकली ईडीएम जो है इट इज अ फ्रेज बट उसका जो मतलब है दैट इज टोटली डिफरेंट इन द कॉन्टेक्स्ट. आई होप दिस इज क्लियर. वॉइस स्लो आ रही है, नहीं है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो क्या ठीक है, वॉइस क्लियर है गाइस? अगर वॉइस क्लियर है तो एक बार मुझे बता दो कमेंट्स में. जल्दी जल्दी, रोशन पूछ रहे हैं सर हमको आंसर कैसे पता चलेगा, तो बेटा इसीलिए आप लोग को जो ये आपको जो एग्जांपल्स दिए हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, है ना. यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल दीज एग्जांपल्स. ओके ग्रेट, चलो राइट, वेरी गुड. चलो अब अगर अपन लोग नेक्स्ट एक और एक देख लेते हैं हम लोग एग्जांपल, और एग्जांपल देख लेते हैं. चलो टू सेट स्टोर ऑन, है ना, एक और एक एग्जांपल देख रहे हैं बेटा हम लोग. टू सेट स्टोर ऑन, ये क्या है? टू कंसिडर टू बी अ ऑफ अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस, है ना. टू सेट स्टोर ऑन का मतलब क्या है कि भाई आप अपने आप को कुछ इंपॉर्टेंस का मानते हो. देखो, इंडिया डिड सेट मच स्टोर ऑन द इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप. ठीक है, फिर इसके बाद में अगर आप और कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं. चलो, मिसलिनियस इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वर्ब्स बोला है. ठीक है, अब वर्ब्स किससे देखो, बहुत आसान, टू कुक और डॉक्टर एन अकाउंट या बुक,
तो आप कैसे बोलते हो उसे? टू कुक अ बुक, या तो फिर टू कुक अ अकाउंट एन अकाउंट, ठीक है, आप इस तरीके से बोलोगे, या तो फिर टू डॉक्टर अ बुक, या तो फिर टू डॉक्टर एन अकाउंट, इस तरीके से आप बोलते हो। इसका मतलब क्या है? उसमें कुछ टैम्पर करना, कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करना, है ना? तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? टैम्परिंग या फिर छेड़छाड़, राइट? तो देखो, टू टैम्पर और फॉल्सिफाई द फैक्ट्स और ऑफ फिगर्स। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रॉम द बैलेंस शीट प्रेजेंटेड टू द शेयर होल्डर्स द कंपनी सीम्ड टू बी फ्लरिशिंग बट लेटर ऑन इट टर्न्ड आउट दैट द मैनेजमेंट हैड कुक्ड द अकाउंट्स, है ना? मैनेजमेंट ने क्या किया था कि भाई उन्होंने अकाउंट्स में छेड़छाड़ किया था। बैलेंस शीट देख के लग रहा था कि भाई कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, बट जब आप अकाउंट्स देखते हो कंपनी बहुत सही कर रही है, बट जब कंपनी को देखते हो तो कंपनी डब्बा है, ठीक है? चल, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, टू ब्लंट द एजेस ऑफ, है ना? एक और एक देख लेते हैं। टू बेयर द बर्नड ऑफ, टू बेयर द बर्नड ऑफ का मतलब क्या है? टू फील द हीट, या तो फिर जो भी पहले जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल, मैं अगर पहले कोई चीज़ को फेस कर रहा हूँ तो मैक्सिमम कोई चीज़ का जो प्रेशर है या कोई भी चीज़ को मैं जो फेस कर रहा हूँ उसको मैक्सिमम चीज़ का प्रेशर या जो इम्पैक्ट है वो झेलना, है ना? तो उसको हम क्या कहेंगे? टू बेयर द बर्नड ऑफ। अब देखो, टू बेयर द मेन फोर्स और शॉक ऑफ, ठीक है? अब इमेजिन करो, अगर मैं और मेरा एक फ्रेंड कौन है? प्रवीण सर। मान लो मैं और प्रवीण सर अगर पीछे बैठे हैं, प्रवीण सर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हम जा रहे हैं, और मैं अगर कहीं पे गाड़ी चिपका देता हूँ तो वो इम्पैक्ट का ज़्यादातर जो इम्पैक्ट है उसका ज़्यादातर फोर्स कौन झेलेगा? मैं। तो आई विल बेयर द मैक्सिमम बर्नड ऑफ द इम्पैक्ट, ठीक है? प्रवीण सर को भगवान ना करें, बट प्रवीण सर को थोड़ा बहुत लगेगा, है ना? नहीं लगेगा, वैसे मैं हूँ तो प्रवीण सर को लगेगा, बट ज़्यादातर इम्पैक्ट किसको लगेगा? मुझे लगेगा। तो क्या बोला जाएगा कि अभिजीत सर हैड बेयर द बर्नड ऑफ द एक्सीडेंट। समझ में आया? यस, ये आपको मीनिंग्स जो हैं इसके पूरे याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। अब किसी ने बोला कि सर idioms और phrases का डिफरेंस क्या है? मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि idioms जो हैं वो phrases ही होते हैं, बट उनका वो words का जो एक्चुअल मीनिंग रहता है वो बहुत अलग रहता है, और वो सेंटेंस में जो मीनिंग निकलता है वो बहुत अलग निकलता है। वेर एज़ अगर आप phrases की बात करो तो phrases एक्चुअल जो पूरा मतलब है वो नहीं देते हैं, ठीक है? फ्रेजेस कंप्लीट मीनिंग नहीं रखते हैं अपने आप में, बट जो वर्ड्स हैं उनका वही मीनिंग निकलता है, ठीक है? फ्रेजेस कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। समझ में आया है? चल, नेक्स्ट, टू ब्लंट द एज, क्या बोला है? टू ब्लंट द एज ऑफ, टू मेक समथिंग लेस इफेक्टिव, है ना? टू मेक समथिंग लेस इफेक्टिव। भाई साहब, अगर आप बात करें किसकी, इफ यू टॉक अबाउट टू ब्लंट द एज ऑफ, कोई चीज को कम इफेक्टिव बना देना, इसका मतलब क्या है? किसी भी चीज को कम इफेक्टिव बना देना। अब सेंटेंस में कैसा यूज किया है? देखो, टाइम ब्लंट्स द एज ऑफ ग्रीफ, है ना? आया है क्या सेंटेंस? बोला कि भाई समय जो है वह हर दुख दर्द को कम कर देता है, इसका मतलब ये है, ठीक है? समय जो है वो हर एक दुख दर्द को हर लेता है, कम कर देता है। अच्छा, अभी सवाल ये है कि सर इनको याद कैसे करें? कोई बच्चे लोग ये सवाल कर रहे हैं। अब देखो, एक सिंपल चीज बताता हूं, आप लोगों को क्या करना है, एक बार इसको गो थ्रू करना है, ठीक है? एक बार इसका वर्ड क्या है, मीनिंग क्या है और सेंटेंस क्या है, अगर आप गो थ्रू करेंगे तो यू विल जस्ट कम टू नो, बिकॉज एग्जाम में आपको लिखना है क्या ये चीज़? नहीं। एग्जाम में आपको ऑप्शंस आएंगे, तो एकदम रटना है क्या? नहीं। एक बार आप समझ गए ना कि मीनिंग क्या है, तो आप एग्जाम में ऑप्शंस में चूज कर पाओगे, ठीक है? आकांक्षा गौर, यस, लास्ट में भी यूज होते हैं। चलो, फिर इसके बाद में आता है टू करी फ्लेवर, टू
करी फ्लेवर का मतलब क्या होता है? टू विन फेवर, सुनो, टू विन फेवर बाय गिफ्ट्स और फ्लैटरिंग, है ना, किसी को ऐसा बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में चापलूसी करना, है ना. ही वॉज ट्राइंग टू करी फेवर विद द बॉस बाय ऑफरिंग हिम एन एक्सपेंसिव गिफ्ट. वो बॉस को एक्सपेंसिव गिफ्ट दे के कुछ ना कुछ फेवर लेना चाह रहा था. टू करी फेवर का मतलब क्या है कि भाई किसी से कुछ फेवर लेना, कुछ चापलूसी कर देना, ठीक है. गाइस क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप लोग फटाफट जीटीजी कह दीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. हाँ, अल्ट्रा मीम्स, एग्जैक्टली, बटरिंग करना, है ना, बटर लगाना या बटरिंग करना जो कहते हैं वो. यस, यस, बिल्कुल, मक्खन लगाना. यस, यूनिक वर्ल्ड. अभी तक आपको ईडीएम्स और फ्रेजेस का डिफरेंस नहीं समझा बेटा. ईडीएम्स एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनका एक्चुअल मतलब कुछ अलग रहता है, बट जब आप सेंटेंस में यूज करते हो तो उनका मतलब बहुत अलग रहता है. फॉर एग्जाम्पल, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है. तो इसका मतलब क्या सही में कैट्स और डॉग्स, कुत्तों और बिल्लियों की बारिश हो रही है? नहीं, ठीक है, पहली बात. ये हो गया ईडीएम, ठीक है. अब अगर आप फ्रेजेस की बात करें तो भाई फ्रेजेस क्या है? एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका खुद में कोई मतलब नहीं रहेगा, बट जब आप उसे सेंटेंसेस में यूज करते हो तो उनका मतलब निकलता है, ठीक है, सिंपल एज दैट. ईडियम्स भी एक तरीके के फ्रेज होते हैं, बट उनका मतलब, जो एक्चुअल मीनिंग है, वो बहुत अलग रहता है, ठीक है. द्वीप पूछ रहे हैं सर इनमें से क्या आएगा पेपर में. अरे भाई साहब, इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ये सारे एग्जांपल्स पढ़ने, ठीक है. नहीं, चांसेस बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है कि इसके बाहर के आए. जितना दिया उतना ही पूछ लो, बहुत कुछ दिया आपके मॉड्यूल में, बहुत कुछ दिया है, ठीक है. चलो चलो, ओके, अमय, दीपांशु, मन्नत, वेरी गुड, ठीक है. चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं. क्या बोला है? टू फोर्स वंस हैंड, टू फोर्स वंस हैंड, इसका मतलब क्या है? ये idiom का मतलब क्या है? टू कंपेल वन टू डू समथिंग अनविलिंगली और अर्ली देन वेन वन वॉज विश टू डू इट, है ना, किसी से जोर जबरदस्ती कुछ करवा लेना, है ना. टू फोर्स वंस हैंड, किसी से जोर जबरदस्ती कुछ करवा लेना या फिर समय के पहले कोई चीज करवा लेना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है. तो देखो, द गवर्नमेंट वॉन्टेड टू डू ऑल दैट इट कुड टू मीट द वर्कर्स डिमांड, बट द वायलेंस बाय स्ट्राइक्स फोर्स देयर हैंड्स टू डिक्लेयर अ लॉकआउट. भाई गवर्नमेंट चाहती थी कि वर्कर्स का जो भी काम है, जो भी चीजें, वो सब पूरी कर दे, बट जो वायलेंस हुआ उसकी वजह से लॉकआउट करना पड़ा, ठीक है. एक्सेलेंट. अब और आगे देखते हैं, एक दो एग्जांपल्स हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है. अब देखो, ये रहा, चलो. टू सी अ थिंग थ्रू कलर्ड स्पेक्टिकल्स, टू सी अ थिंग टू थ्रू कलर्ड स्पेक्टिकल्स, इसका मतलब क्या है? टू रिगार्ड समथिंग अनफेवरेबली बिकॉज ऑफ वंस प्रेजुडाइज. भाई आप लोग क्या कर रहे हो? हम सामने वाले की मंशा समझ ले रहे हैं, तो भाई समझ में आ जाता ना कि ये बंदा जो वो सही नहीं, उसकी मंशा, उसकी जो, उसका जो प्रेजुडाइज है, उसका जो मंशा है, वो हम समझ गए, तो वो काम गलत इंटेंशन है इसका, इसके साथ काम करना नहीं, ठीक है. अब देखो, पाकिस्तान हैज फॉर लॉन्ग लुक्ड एट इंडिया थ्रू कलर्ड स्पेक्टिकल्स, ऐसे दिखता है, ठीक है, एंड नेवर ट्रस्टेड इवन द मोस्ट जेन्युइन ऑफ आवर पीस मूव्स. वो अपने, पाकिस्तान ने हमेशा से हमारी पीस मूव्स को ऐसे शक की नजर से ही देखा है, कभी ट्रस्ट किया ही नहीं. अब क्या करें,
ये कहीं और है, ये कहीं और है, कोई बात नहीं, ठीक है, चल। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है भाई, एक और एक एग्जांपल देख लेंगे। टू टाई somebody's हैंड, टू टाई somebody's हैंड का मतलब क्या है बेटा, टू रिस्ट्रिक्ट somebody's एक्टिविटी, इसका मतलब क्या है, टू रिस्ट्रिक्ट somebody's एक्टिविटी, है ना। टू टाई someone's या somebody's हैंड, इसका मतलब क्या है, टू रिस्ट्रिक्ट somebody's एक्टिविटी, ठीक है। ऑल्दो द मैनेजमेंट वॉज अवेयर अबाउट सेवरल फाइनेंशियल क्राइसिस वन ऑफ देयर एम्प्लॉइज वॉज गोइंग थ्रू, इट कुड नॉट पास द लोन फॉर इट्स हैंड बट टाइड बाय द कंपनीज पॉलिसी, है ना। मैनेजमेंट को पता था कि कोई तो भी एक एम्प्लॉय उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, बट वो उसकी मदद नहीं कर पाए बिकॉज कंपनी की पॉलिसी वैसी थी, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, हम कहते हैं यार मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, बट कुछ सिचुएशन ऐसी है, घर पर अलाउ नहीं करेंगे, है ना। मैं आना चाहता हूँ बट माई हैंड्स, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, आपके दोस्त ने फोन किया। एग्जाम्पल, चलो आप लोग को जब तक एग्जाम्पल नहीं दूंगा आप लोग समझोगे नहीं शायद, है ना। एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे हमारे दो दोस्त बाबू और बेबी, ठीक है। बाबू ने बेबी को बोला कि यार बेबी मेरी गाड़ी खराब हो गई है, प्लीज़ मुझे लेने आ जा, ठीक है। तो बेबी मना करेगी क्या, बेबी मना करेगी नहीं, बट बेबीज हाइट, बेबीज हैंड्स आर टाइड बिकॉज रात का समय है, है ना, घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। अब समझ में आया, वो चाहती है कुछ करना बट उसके हाथ बंधे हैं, सिचुएशन ऐसी है कि वो नहीं उसे हेल्प कर पाएगी। अब समझ में आया, अरे लाल फूल नीला फूल अभिजीत भैया ब्यूटीफुल थैंक यू। चलो हो गया क्लियर गाइस, इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आए। चलो फिर इसके बाद में कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। इडियोमेटिक फ्रेजेस फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, अब ध्यान से सुनना, हम क्या कर रहे हैं, किसी नाउन को और एडजेक्टिव को हम जोड़ रहे हैं, कुछ ऐसे idiomatic phrases जो कि noun और adjective को जोड़ के बनाया गया है, ठीक है। example देख लेते हैं, bad blood, ठीक है, noun और adjective। मुझे एक बात बताओ, इसमें से bad blood में adjective कौन सा है, bad blood में अगर मैं बोलूं तो adjective कौन सा है बताओ, bad blood में एडजेक्टिव कौन सा है बताओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कनिका गुप्ता, नहीं बेटा ब्लड जो है वो नाउन है, बैड इज व्हाट, इट इज द एडजेक्टिव, ठीक है। चलो तो बैड ब्लड का मतलब क्या है, बैड ब्लड का मतलब है इल टुवर्ड्स ईच अदर, बैड ब्लड का मतलब क्या है, इल टुवर्ड्स, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, इल टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। अब देखो, देयर हैज बीन बैड ब्लड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस, अरे आज की क्लास जो है वो किनकी वजह से हो रही, क्लास जो है शुक्रिया अदा करेंगे आप, कर्टसी पीसी बाबा। चलो गाइस ध्यान से सुना, बैड ब्लड का मतलब क्या है, बैड ब्लड का मतलब है कि किसी के अगेंस्ट में कुछ इल विल रखना, किसी के अगेंस्ट में कुछ इल विल रखना, ठीक है, किसी के अगेंस्ट में कुछ इल विल, है ना, खराब जो है आप फीलिंग्स किसी के अगेंस्ट में रखना। तो देर हैज बिन बैड ब्लड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कब से, 1947 से, ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है। चलो एक और एक एग्जांपल लेते हैं, भाई, अ कोल्ड कंफर्ट,
कोल्ड कंफर्ट का मतलब क्या है? देखो भाई, आप किसी को कंसोल करते हो, है ना, किसी को आप थोड़ा सांत्वना देते हो, बट ऐसा काम चलाओ वाला, है ना। तो कोल्ड कंफर्ट का मतलब क्या है? इनएडिक्वेट कंसोलेशन। कोल्ड कंफर्ट का मतलब क्या है? इनएडिक्वेट कंसोलेशन क्या है? द मेयर प्रॉमिस फॉर अ बेटर फ्यूचर इज ओनली अ कोल्ड कंफर्ट फॉर फ्रस्ट्रेटेड यूथ, है ना भाई। एक सिर्फ एक आपने प्रॉमिस कर दिया कि नहीं तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया, कोई मेहनत नहीं किया, तो वो सिर्फ एक कोल्ड कंफर्ट है। क्या ये चीज क्लियर है? गाइस अभी ध्यान दो यहाँ पे, सीरियसली अब यहाँ पे ध्यान दो। क्या ये चीज क्लियर है? फटाफट बताओ क्या ये चीज क्लियर है? जीटीजी बोल दो भाई, क्लियर है तो। ये है बहुत सिंपल चीज, आपको कठिन इसलिए लग रहा होगा बिकॉज ये फ्रेजेस या तो ये जो वर्ड्स हैं या जो ये कहावतें हैं ये आपने पहली बार सुनी होगी, इनका मतलब आपको पता नहीं होगा, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार पढ़ के समझना पड़ेगा। जैसे ये जो वर्ड्स दिए हैं, अ डॉग इन द मैंगर, इसका मतलब क्या? पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम हैविंग थिंग्स दैट ही हैज डन नॉट नीडेड बाय हिमसेल्फ। भाई ये सिंपल वर्ड्स दिए हैं, उनका मीनिंग दिया है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ के समझना पड़ेगा, राइट? गुड 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 गुड, वेरी गुड। एक और एक कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, चलो। टॉक टॉक, ठीक है, या ये लेते हैं भाई, व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा भाई साहब। अ व्हाइट एलिफेंट, इसका मतलब क्या है? समथिंग एक्सपेंसिव टू मेंटेन। व्हाइट एलिफेंट इसका मतलब क्या रहेगा? समथिंग एक्सपेंसिव टू मेंटेन, कोई ऐसी चीज जिसको पालना बहुत, जिसको रखना या पालना है, जिसको मेंटेन करना बहुत महंगा है, इसे हम क्या कहेंगे? व्हाइट एलिफेंट। तो क्या है एग्जाम्पल, देखो, आई हैड टू डिस्पोज ऑफ द कार एज इट टर्नड आउट टू बी अ व्हाइट एलिफेंट, है ना। क्या सही में कार सफेद हाथी बन गई कि नहीं? उसका मतलब यह है कि भाई यहां पे जो कार थी वो इतनी महंगी पड़ रही थी मेंटेन करने के लिए, मुझे उसे बेचना पड़ा। अब देखो, जिन जिन लोगों को अभी भी ईडीएम नहीं समझा है, मैं वापस बताना चाहता हूं, ईडीएम इज नथिंग बट अ फ्रेज, बट एक्चुअल वर्ड्स का मतलब बहुत अलग होता है, है ना। एक्चुअल मीनिंग जो है वर्ड्स का बहुत अलग रहता है। जैसे यहां पे व्हाइट एलिफेंट का मतलब बहुत अलग है सफेद हाथी, बट हमने ये जो कहा इसका मतलब क्या आ रहा है? विच इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, इसका मतलब क्या है बेटा? डिफिकल्ट टू मेंटेन, राइट। तो यहां पे वर्ड्स और उसका मतलब अलग अलग है। अब आपको डिफिकल्टी इसलिए जा रही है बिकॉज आपने कभी सुना नहीं होगा, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा एक बार, ठीक है। ऋषभ कह रहे हैं किड्स आर व्हाइट एलिफेंट। नहीं बेटा, किड्स आर नॉट व्हाइट एलिफेंट, दे आर ब्लेसिंग्स, दे आर ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। चलो एनीवेज, चलो फिर इसके बाद में और देख लेते हैं गाइस हम लोग, प्रपोजिशनल एंड अदर फ्रेजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि क्या करते हैं? वर्ब के साथ में यूज किए जाते हैं, है ना। और भी कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो कि वर्ब के साथ में यूज किए जाते हैं, टू बी वर्ब के साथ में। कौन से वर्ब के साथ में? टू बी वर्ब के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर, टू बी वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, इसका मतलब क्या है? बहुत वैल्यूएबल रहना। To be worth its weight in gold, मतलब उसके वजन, गोल्ड के वजन के जितना वो valuable रहना, इसका मतलब literal meaning क्या रहेगा? उसके ही जितना वजन का, गोल्ड के value के जितना valuable, but sentence में मतलब क्या आएगा? कि बहुत ज्यादा valuable होना, ठीक है। Example जो यहाँ पे दिया बहुत बढ़िया दिया है, क्या बोला है? In the desert, a bottle of water is often worth its weight in gold, है ना। अगर आप रेगिस्तान में देखो तो भाई बॉटल ऑफ वाटर जो है इट इज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। एक और एक एग्जांपल, ये बोर हो गया होगा आपको, मुझे पता है भाई। बाबू ने बेबी को एक पेन ड्राइव दिया, बाबू ने बेबी को एक पेन ड्राइव दिया, ठीक है। तो बेबी के लिए ये पेन ड्राइव जो है, बेबी के लिए ये जो पेन ड्राइव है, इट इज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, मतलब ये बहुत ज्यादा प्रेशियस है, बहुत ज्यादा मूल्यवान है, जस्ट बिकॉज बाबू ने दिया। अब समझ में आया? अब बराबर समझाओगा, क्लियर है?
फटाफट फटाफट बताओ गाइस, फटाफट। चलो और देखते हैं भाई, और एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है? ओके ग्रेट। चलो, टू बी ऑन वंस लास्ट लेग, टू बी ऑन वंस लास्ट लेग, इसका मतलब क्या है? नियर द एंड ऑफ लाइफ, या तो फिर यूजफुलनेस या फिर एग्जिस्टेंस, है ना? टू बी ऑफ वंस लास्ट लेग यानी इसका आखिरी पैर बचा हुआ, ऐसा बोलते क्या बेटा? नहीं, है ना? इसका मतलब क्या है कि इसका यूजफुलनेस खत्म हो रहा है ना, इसकी यूटिलिटी खत्म हो रही है, किसी का अंत नजदीक आ रहा है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? कब्र में पैर होना, ठीक है? चलो, विद द इंक्रीजिंग यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन ऑफिस, इट सीम्स द टाइपराइटर इज एट इट्स लास्ट लेग। उसका यूजफुलनेस क्या है बेटा? बहुत कम है, उसकी यूटिलिटी बहुत कम हो गई, ठीक है? यूनिक वर्ल्ड कह रहे हैं माई रिंग इज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। बेटा देखो, अगर आपकी सही में गोल्ड की रिंग है तो वो नहीं, वो नहीं। अगर हाँ, आपको यूनिक वर्ल्ड, अगर आपको किसी गुड फ्रेंड ने अगर दिया है गिफ्ट, तब वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। या तो फिर हो सकता है आपके मम्मी पापा पेरेंट्स ने या कोई बड़े भाई बहन ने किसी ने गिफ्ट किया है, तो वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगी, ठीक है? वो सेंस में बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो। अच्छा, अभी इसमें निशांत पूछ रहे हैं सर ये कितने नंबर का आएगा, तो भाई इतने साल का एक्सपीरियंस जो है ना, इतने साल का एक्सपीरियंस मेरा ये बताता है कि जब भी कोई बच्चा ऐसा पूछता है कि सर ये कितने नंबर का आएगा, तो वो शायद सोचता है कि यार इसको थोड़ा जाने दे तो चलेगा क्या। बेटा ये सोचना ही नहीं, कुछ नहीं भाई, मुश्किल से 60-70 जो है वो वर्ड्स दिए हैं आपको जिनका मतलब देखना है, बहुत हो गया 100 वर्ड्स दे देंगे जिनका मतलब देखना है, सेंटेंसेस, ठीक है भाई? एक बार ग्लांस कर लो, बैठे बैठे खाना खाते खाते गाना सुनते सुनते एक बार पढ़ना ही है। वर्ड दिए, उनका मतलब भी दिया, साथ में एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस भी दिया, और क्या चाहिए? खिचड़ी पूरी बना के दिए, आपको सिर्फ खाना है, ठीक है? चलो भाई, अब देखो, मनी से रिलेटेड, देखो इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस जो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई टॉपिक से रिलेटेड है, मनी या तो फिर डेट या बिजनेस से रिलेटेड, अगर आप देखें तो बहुत इजी, आपने ये सुना होगा पक्का। क्या ये सुना है आपने? बैड डेट, बैड डेट, ये तो सुना है बैड डेट। इसका मतलब क्या है? डेट्स रिगार्डेड एज इररिकवरेबल, जो वापस नहीं आ सकता, वो पैसा जो गबन खाते में चला गया भाई साहब, वो पैसा वापस आता नहीं है। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो देखो भाई, एवरी ईयर द कंपनी कंपाइल्स अ लिस्ट ऑफ बैड डेट्स एंड राइट्स देम ऑफ, सिंपल। ठीक है, ये आपको पता है क्यों? बिकॉज ये आपकी फील्ड से रिलेटेड है, ये आपने सुना है बैड डेट क्या होता है ना? यस, ये जब बात। चलो, इन शॉर्ट सप्लाई, अभी क्या होता है, अभी लॉकडाउन खुला, जैसे ही लॉकडाउन खुला, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया, शायद आप लोगों ने भी किया होगा भाई साहब, लोग दौड़े हैं। मतलब जिस दिन लॉकडाउन खुला था, मैंने डेली नीड्स की शॉप में तो भीड़ देखा ही देखा, किराने की शॉप में तो भीड़ देखा ही देखा, अब मैंने चप्पल जूते की दुकानों में भी भीड़ देखी, चप्पल जूते। मतलब जिस दिन रिलैक्स हुआ था, आई स्टिल रिमेम्बर कि भाई अब तुम 10 बजे तक, 8 से 10 या 8 से 11 सुबह 2-3 घंटा तुम जा सकते हो, तो उसमें चप्पल जूते की दुकानों में भीड़। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कस्टमर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट क्राउड, कि बिना चप्पल जूते के यू कैन नॉट एग्जिस्ट। घर में अपन क्या करते, चप्पल जूते, भाई साहब बहुत भारी लोग हैं दुनिया में। खैर एनीवेज, अब इतना ज़्यादा अगर आप कोई चीज़ ले लेते, तो ये हमने क्या किया, ये एक्सपीरियंस किया है शॉर्ट सप्लाई, है ना? तो जब व्हेन आई वाज एडमिटेड, या आपके, आपने भी सुना होगा रेमडेसिविर, ये जो इंजेक्शन था, है ना, इट वॉज इन शॉर्ट सप्लाई, है ना? टॉसिलिज़ुमैब, ये जो इंजेक्शन लग रहे थे हमें, वो दैट वॉज इन शॉर्ट सप्लाई, है ना? मतलब जो इजीली अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहेगा, जो इजीली अवेलेबल नहीं है। हाँ, निशांत मंगल कह रहे हैं वो जो दवाई की दुकान है, है ना, बेटा ये सब गलत चीज़ें, इसमें जाना नहीं। तो की दुकान में भी भाई इतनी भीड़ थी, मतलब लोग कोरोना से कम हम इसी से मरेंगे बोले, हमको कोविड से नहीं मरना है, हमको इससे अंदर से बॉडी खोखली करके मरना है। क्या लोग हैं यार, भगवान सद्बुद्धि दे ऊपर वाला सबको। चलो, इन शॉर्ट सप्लाई का मतलब क्या है भाई? इन शॉर्ट सप्लाई का मतलब होता है विच इज़ नॉट इजीली अवेलेबल,
ठीक है. तो देखो शुगर जो है इट इज इन शॉर्ट सप्लाई बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक इन शुगर मिल्स. ये एक और एक चीज बोलता हूँ, जो फेस्टिवल्स आते हैं अभी देखो गणेश चतुर्थी आएगी, आपका ये महालक्ष्मी आएंगी, ये सब फेस्टिवल्स आते हैं अभी, क्रिसमस वगैरह सब सब फेस्टिवल्स आते हैं. तो ये टाइम पे कुछ वेजिटेबल्स जो है वो शॉर्ट सप्लाई में हो जाते हैं, उनका प्राइस बढ़ जाता है ना. तो शॉर्ट सप्लाई का मतलब क्या है बेटा, जो इजीली अवेलेबल नहीं है. क्लियर है? वेरी गुड. अब वेलफेयर की अगर आप बात करें तो वेलफेयर में भी कुछ एग्जांपल्स हैं. क्या बोला है, टू टेक समथिंग बाय स्टॉर्म. इसका मतलब क्या है, एकदम से कोई चीज कैप्चर कर लेना, एकदम से कोई चीज क्या कर लेना, कैप्चर, एकदम सडनली कोई चीज ले लेना, है ना. टू टेक समथिंग बाय स्टॉर्म, तो इसका मतलब क्या है, देखो टू कैप्चर अ प्लेस बाय सडन एंड वायलेंट अटैक, है ना. एकदम से आप क्या कर रहे हो, हमला करके उसको कैप्चर कर लो, इसका मतलब ये है. तो सेंटेंस में कैसे यूज किया है, द मेन माउंटेड एन ऑल आउट अटैक फ्रॉम एयर एंड लैंड एंड सून टुक द एनिमी कंट्री बाय स्टॉर्म. भाई साहब लोगों ने जमीन से ऊपर हवाई हमला करके सब आपका क्या किया, एनिमी कंट्री को अपने कब्जे में ले लिया. ठीक है, चलिए फिर आता है सी एंड शिप. ये अलग 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 चीजों का बता रहा है. हाँ ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है भाई, टू कास्ट एन एंकर, एक एग्जांपल देख लेते हैं. टू कास्ट एन एंकर इसका मतलब क्या है, टू सेटल इन प्लेस फॉर द टाइम बीइंग. टू कास्ट एन एंकर का मतलब क्या होता है, एंकर मतलब जो आपका हिंदी में क्या कहते हैं यार एंकर को, एंकर को हिंदी में क्या बोलेंगे, मैं भूल गया यार. ओहो छोड़ो, बट एंकर समझ गए ना आप लोग क्या है, मैं हिंदी में उसका नाम भूल गया. ओहो ऐसा रहता है एंकर, है ना. तो भाई ये जो एंकर, टू कास्ट एन एंकर का मतलब क्या है, कि किसी जगह पे रुकना, है ना, किसी जगह पे रुकना. नहीं 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 संचालक नहीं, वटका भी नहीं, अरे नहीं कनिका वो होस्ट नहीं रे बेटा. ये एंकर का मतलब ये जो शिप में रहता है ना, शिप में जो एंकर रहता है, शिप में जो एंकर रहता है, लंगर. अश्विनी यस यस लंगर लंगर अश्विनी थैंक यू. चलो तो इसका मतलब क्या है भाई, आफ्टर ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड ही फाइनली कास्ट एन एंकर इन पैरिस बिकॉज ही लाइक्ड द सिटी. मतलब वहां पे रुके. एक्चुअली एंकर का मतलब क्या है, हल, है ना, हल भी नहीं बोलेंगे उसे, लंगर, है ना, उसे क्या बोलेंगे, लंगर. तो भाई हम क्या कर रहे हैं, सही में रुक रहे हैं कहीं पे, रुकना कहीं पे क्या करना, रुकना. कास्ट एंकर का मतलब रुकना. क्या इसका मतलब यह है कि वो शिप से जा रहा था, नहीं जरूरी नहीं है बेटा, वो शिप से नहीं जा रहा था, वो फ्लाइट से भी जा सकता है, कुछ भी जा सकता है. बट टू कास्ट एन एंकर का मतलब क्या है, कहीं पे रुकना. ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है. चल अब इसके बाद में भाई फायर लाइट और कैंडल से रिलेटेड देख लेते एग्जांपल्स. क्या बोला है, नॉट होल्ड अ कैंडल टू समथिंग और समवन. इसका मतलब क्या है, बी इनफीरियर टू समवन. शी राइट्स quite assuming stories but she can't hold a candle to more serious novelist, है ना. Not hold a candle to something or someone का मतलब क्या है, कि भाई उनसे थोड़ा सा कम रहना, किसी और से थोड़ा सा छोटा रहना, या किसी और से थोड़ा सा inferior होना, है ना. तो example क्या बोला है, she writes quite assuming stories, वो बहुत अच्छा लिखती है, but जो इससे भी अच्छा लिखते हैं उनसे थोड़ा सा ये कम है. ठीक है, फिर और आपको examples देख लेते हैं. डेथ से रिलेटेड अगर अपन देखें, अरे भाई बस एंकर ही डालना चालू कर दिया तुम लोगों ने चैट में. अरे मेरे भाइयों बहनों दोस्तों यारों बस करो. ठीक है, तो अब अगर देखें डेथ से रिलेटेड क्या है, ऑल द फ्रेजेस गिवन बिलो. अब अगर आप देखें, टू पास अवे, टू गो द वे ऑफ ऑल द फ्लैश. भाई हम लोग देखते हैं ही पास्ट अवे, ही डाइड ऐसा लिखते कि अपन नहीं, ही पास्ट अवे, है ना. क्या ये चीज क्लियर है, इज दिस क्लियर गाइज, यहां तक क्लियर है, फटाफट कह दो.
यहां तक क्लियर है तो जीटीजी कह दो, फिर हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। शिवांगी विश्वा सलोनी चंचल मन्नत, चलो शुभम अभिषेक, ओके भावना, चलो गुड 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 गुड, वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स मतलब क्या भाई साहब? कुछ नहीं, कहावतें, मुहावरे। प्रोवर्ब्स मतलब क्या है? मुहावरे। मुहावरों का मतलब, प्रोवर्ब्स का मतलब क्या है कि भाई इसमें होम ट्रूथ भी रहता है, मतलब सच्चाई होती है, है ना? जैसे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, है ना? सच्चाई होती है, होम ट्रूथ भी रहता है और यूनिवर्सल ट्रूथ भी रहता है। मतलब क्या है कि भाई साहब ये सिर्फ लोकली सही रहती है बात, ऐसा नहीं है, ये सब जगह पे सही होती है बात, ये बातें सब जगह सही निकलती है, है ना? तो ये बहुत लोग इसको यूज करते हैं इसलिए बनती हैं। तो कुछ कुछ कहावतें आपने सुनी भी होगी, बेटर लेट देन नेवर, सुना है आपने? ये तो पढ़ा भी होगा, बेटर लेट देन नेवर, सुना है, है ना? और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड। भाई एक अ फूल एंड हिज मनी, उसको समझ नहीं रहती कहां पे कैसे पैसे यूज करना है, ठीक है? और एक एग्जांपल, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। मतलब जो लाइक माइंडेड लोग रहते हैं वो साथ में रहते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, ठीक है? फिर इट नेवर रेन्स बट पोर्स। इसका मतलब क्या है कि कोई चीजें बहुत कम नहीं होती, बहुत अबंडेंस में आती है, बहुत ज्यादा आती है, ठीक है? तो ये कुछ प्रोवर्ब्स हैं। और देख लेते हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स। बेगर्स कांट बी चूजर्स का मतलब क्या है कि भाई साहब आपको ऑप्शन मिल रहा है, आपको दी जा रही है कोई चीज, आपके पास में ऑप्शन मिल रहा है, नहीं आपके पास ऑप्शन नहीं है। बेगर्स कांट बी चूजर्स का मतलब कि आपके पास में ऑप्शन नहीं है। क्या चीज क्लियर है? चल ये भी सुना होगा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, है ना? अंत भला तो सब भला, हिंदी में ये कहते हैं उसे, अंत भला तो सब भला। क्या ये चीज क्लियर है? चल अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस, फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, है ना? कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं, फॉरेन वर्ड्स। अब देखो इंग्लिश जो वर्ड है ना, इंग्लिश जो लैंग्वेज है गाइज, ये फॉरेन लैंग्वेजेस से भी एडॉप्ट किए गए हैं बहुत सारे वर्ड्स। फॉर एग्जांपल संस्कृत से भी कुछ वर्ड्स लिए गए। एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे आप देखो गणेश जी की जो आरती होती है उसमें बोलते हैं ना एक दंताय, है ना? एक दंताय वक्रतुंडाय, है ना? तो वो एक दंताय, दंताय, इसी से एक वर्ड इंग्लिश का निकला है डेंटल, है ना? दंताय उससे इंग्लिश का वर्ड बना है डेंटल, एग्जाम्पल, ठीक है? संस्कृत से भी इंग्लिश में वर्ड्स लिए गए हैं, लैटिन से भी इंग्लिश में वर्ड्स लिए गए हैं, फ्रेंच से भी इंग्लिश में वर्ड्स लिए गए हैं, ठीक है? और अगर आप देखें तो ग्रीक से भी, ग्रीक लैंग्वेज से भी आपके वर्ड्स लिए गए हैं, ठीक है? तो अलग अलग लैंग्वेजेस से एडॉप्ट होकर इंग्लिश लैंग्वेज बनी है। तो ऐसे ही आपके कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनका मीनिंग दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर थोड़े से देख लेते हैं, एब इनिशियो, ये कौन सा है? लैटिन। इसका ओरिजिन क्या है? लैटिन है। इसका मतलब क्या होता है? फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है? और एब ओरिजिन, इसका मतलब क्या होता है? फ्रॉम द ओरिजिन, शुरुआत से, ठीक है? और कुछ एग्जांपल देख ले, एड वैलोरम। एड वैलोरम का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, ठीक है? आपने एक और एक देखा होगा, अला कार्टे, ये आपने होटल्स में देखा होगा, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में जाते हैं ना अपन, अला कार्टे का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द कार्ड या फिर लिस्ट, मेन्यू के हिसाब से अपन ऑर्डर लेते हैं, अला कार्ट, है ना? चल फिर इसके बाद में अगर आप और देखें कोई, तो और देख लेते हैं, बोनाफाइड, भाई जेन्युइन सिंसियर, है ना? एग्जांपल कैसा रहेगा? ही इज अ बोनाफाइड सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट? फिर और अगर आप देखें तो ये भी एक है, बॉर्न वॉयज, मतलब हैव अ गुड जर्नी। ये सब सुने, कॉमन है ना? बॉर्न वॉयज कौन सा ओरिजिन का है बेटा? ये फ्रेंच ओरिजिन का है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको वर्ड्स भी दिए हैं, कौन सा ओरिजिन है वो भी दिया है, सारी चीजें दी हैं, तो ये सारे आपको एक बार गो थ्रू करना है। क्या चीज क्लियर है? चल और देख लेते हैं, डी नोवो। डी नोवो का मतलब क्या है? अगेन,
फिर से, है ना, आपका अगर कोई रजिस्ट्रेशन लैप्स हो जाता है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, डी नोवो करवा सकते हैं, फिर से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, रिन्यू करवा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर आप देखें तो एलीट, ये भी आपने सुना होगा, ये लैटिन ओरिजिन का वर्ड है, मतलब एक ग्रुप ऑफ, एक सर्टन सिलेक्टेड ग्रुप या तो फिर एक क्लास, हम कहते हैं ना ये एलीट लोगों का ग्रुप है, है ना। ये कैसा ग्रुप है भाई, सी एस कार्ट में कैसे पढ़ाने वाले, सब एलीट लोग हैं, मतलब सब एक क्लास के लोग हैं, ठीक है। चलो एनीवेज आगे बढ़े भाई। एक्स ऑफिशियो, अगेन लैटिन वर्ड, क्या बोल रहा है भाई, बाय वर्चू ऑफ हिज ऑफिस, स्टेटस या फिर पोजिशन, राइट। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनका मीनिंग भी आपको दिया, ये भी बताया कौन से ओरिजिन का है। एल दिया रहा मतलब लैटिन है, एफ दिया मतलब फ्रेंच है, ठीक है, और जी दिया रहा मतलब ग्रीस लैंग्वेज का है, ठीक है। ये तीन ही लैंग्वेज के आपको कुछ वर्ड्स दिए जिनका मीनिंग भी दिया है। क्या चीज क्लियर है गाइस यहां तक? फिर इसके बाद में अगर अपन देखें तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, एब्रीविएटेड फॉर्म्स ऑफ वर्ड। एब्रीवेशन का मतलब क्या है गाइस? एब्रीवेशन मतलब वर्ड्स को छोटा करना। एक चीज याद रखो, एब्रीवेशन कोई भी चीज को हम लोग नहीं यूज करते, कभी भी यूज नहीं करते, इसका एक ही रूल है। एब्रीवेशन यूज करने का एक ही रूल है कि आप एब्रीवेशन यूज मत करो। एब्रीवेशन यूज करने का एक ही रूल है गाइस कि आप एब्रीवेशन यूज मत करो, अगर जरूरत नहीं है तो यूज मत करो, एक ही रूल है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, बाबू ने बेबी को मैसेज किया, बाबू ने बेबी को मैसेज किया, उसको लिखना था गुड नाइट, ठीक है। उसने क्या लिखा, उसने क्या लिखा, गुड नाइट, मतलब वो ऐसा स्लो क्लैप रहता ना, मतलब क्या ही कर लिया, ये गुड में से एक वर्ड हटा के कौन सा पहाड़ तोड़ लिया भाई साहब आपने। ये गुड में से अगर एक वर्ड हटाया तो कौन सा पहाड़ तोड़ लिया, है ना। अब ठीक है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर ईजी लिखते हो या तो फिर एक्सेट्रा की जगह पे अगर आप ईटीसी लिखते हो तो समझ में आता है। एब्रीवेशन आपको तभी यूज करने हैं जब जरूरी है, और एब्रीवेशन के बाद में आपने क्या करना है, एक फुल स्टॉप प्यार से लगा देना, आपको क्या करना है, फुल स्टॉप लगा देना, खत्म, ठीक है। हाँ, सत्यम ने एक इमोजी भी लगा दिया, बेटा अपन वो इमोजी की बातें नहीं कर रहे हैं, एब्रीवेशन समझ में आ गए बेटा, अपने को फुल स्टॉप लगाना है, इमोजीज नहीं लगाना है रे, फुल स्टॉप लगाना है सत्यम, ठीक है, अलग दुनिया में चल रहे हैं। चलो अब इसके बाद में देखो, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं। सबसे पहला रूल जो है ना, एब्रीवेशन अगर आप नहीं, बिना यूज किए अगर काम कर सकते हो तो बहुत बेहतर है, सिर्फ वहीं पे यूज करना चाहिए जो कि जरूरी है, ना तो मत करो, अगर नहीं यूज कर सकते तो मत करो एब्रीवेशन यूज, बहुत बढ़िया, ठीक है। डोंट यूज एन एब्रीवेशन इफ इट कैन बी अवॉइडेड इजीली, सबसे पहला रूल ये दिया है, ठीक है, अगर नहीं यूज कर सकते तो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में अगर आप देखें एब्रीवेशन, इसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है, फुल स्टॉप डालना पड़ता है, ठीक है। कैपिटल लेटर्स जो है जैसे आप कन्वेंशनली यूज करते हो, नॉर्मली जैसे आप यूज करते हो वैसे यूज करोगे। अच्छा, एक बार आपने एब्रीवेशन में अगर फुल स्टॉप लगा दिया, वहां पे अगर आपने कोई एक पंक्चुएशन लगाया, तो पूरे सेंटेंस में नॉर्मल जो पंक्चुएशन आने हैं, फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह वगैरह जो भी आना है वो नॉर्मली आएंगे। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद में छोटा सा एक टॉपिक बचा है, लैटिन एब्रीवेशन। भाई लैटिन एब्रीवेशन में अगर आप देखें तो आपने सुना होगा एडी फलाना फलाना साल, जैसे इसमें लिखा रहता ना 600 एडी, है ना, एनो डोमिनी, इसका मतलब क्या है भाई, ये बताता है कि भाई इट इज द मार्किंग ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना, ये उस दिन पे फलाना दिन पे, उस दिन पे क्या हुआ था, जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, है ना। अच्छा, बीसी मतलब क्या है, बीसी मतलब क्या है, है ना, बिफोर क्राइस्ट, बीसी मतलब क्या है गाइस, बिफोर क्राइस्ट, है ना। तो ये भी कुछ आपके एब्रीवेशन है जो कि लैटिन वर्ड्स के हैं, ठीक है। और अगर आप लोग देख लें तो ईटीसी, एटसेट्रा, हम लोग जो कहते हैं ना एटसेट्रा, ठीक है, एंड सो ऑन, उसका मतलब क्या है, एंड सो ऑन,
तो इस तरीके से लैटिन के भी आपको कुछ क्या दिए हैं बेटा, शॉर्ट फॉर्म्स दिए हैं। अब एब्रीवेशंस कब यूज नहीं करना है वो देख लो। एब्रीवेशंस भाई कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपने बाबू बेबी वाले गुड नाइट वाला बताया ना मैंने, वो यूज नहीं करना है। नाइट को आपने NIT नहीं लिखना है, ठीक है। गुड को GUD नहीं लिखना है, ठीक है। तो भाई बहुत लोग बहुत भारी होते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी, ठीक है। अब इसके बाद में डेज ऑफ वीक्स या मंथ्स, जैसे आप लोग मंडे को आप लोग MON मत लिखो। अरे यार पूरा डे लिखने में, तीन वर्ड और लिखने में क्या जा रहा है, ठीक है। मंथ्स को शॉर्ट में मत लिखो, अवॉइड करो मंथ्स को शॉर्ट में लिखना, ठीक है। बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, पहले ही वर्ड को आप गलती से ये मत करो, शॉर्ट में मत लिखो। फिर इसके बाद में आता है भाई लोगों के नाम, क्यों छोटा करना है, अच्छे खासे नाम दिए उनको लोगों को, उसको छोटा करते हुए, है ना भाई। कोई अच्छा खासा नाम रहेगा, जितेंद्र रहेगा, है ना, ए जित्या। अब भाई ठीक है, मेरा नाम अभिजीत है भैया, जीतू भैया बोल दिए, ठीक है, बोलो। अब जीतू भैया बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है, बट ठीक है, समझ, नाम को छोटा नहीं करना है। कोर्सेज, उनको भी यूजुअली छोटा नहीं करना चाहिए। क्या चीज क्लियर है, समझ में आया क्या गाइस, ठीक है। इसी के साथ हमारा सेकेंड चैप्टर भी होता है खत्म। हम लोग के कितने चैप्टर्स हो गए गाइस, 4, 5, 6, 7, 1 and 2, ठीक है। कल हम लोग करेंगे चैप्टर 3 पूरा खत्म, राइट। उसके बाद में हम लोग करेंगे चैप्टर 8 खत्म, उसमें भी सिर्फ वर्ड्स और उसके मीनिंग्स दिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो कल हम लोग ये चीज़ शुरू करेंगे। नेक्स्ट आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी हम लोग को टैग करते हैं तो मुझे स्पेशली, अगर आप किसी को भी अगर आप टैग करते हैं तो प्लीज़ CSCART India को भी आप टैग करें। दूसरा, CSCART India के पेज को फॉलो करो, फेसबुक पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आप यूट्यूब पे फॉलो करो, एंड डोंट फॉरगेट टू टैग CSCART India, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे आप हम लोग को इंस्टाग्राम पे टैग करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट CSCART को भी टैग करो साथ ही साथ, उसको फॉलो करो, CSCART हमारा पेज है भाई इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो CSCART India का इंस्टाग्राम का पेज, फटाफट CSCART India ढूंढो, सर्च करो इंस्टाग्राम पे, और वहां पे भी उसे फॉलो करो। जब भी आप हमारी स्टोरी डालते हो, कुछ भी डालते हो, तो उसे भी टैग करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। कमेंट्स लिखना ना भूलें, मेहनत कर रहे हैं भाई, आपके लिए कर रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू बी काइंड एंड स्प्रेड लव इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। गॉड ब्लेस, आई विल सी यू टुमारो एट सेम टाइम, राइट, बाय बाय। समझ में आ गया ना, हमें कह रहे हैं सर शुरू कब हुआ पता ही नहीं चला। यस बेटा, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, अगर जल्दी खत्म हो जाता है, समय का पता नहीं चलता है, तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ना। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया हमको पढ़ते पढ़ते। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। स्टोरी